ऑप्शन में क्या किया जाता है। ये तो बात आपको पता है कि ऑप्शन क्या होता है, राइट बट नॉट ऑब्लिगेशन, राइट टू एक्सरसाइज, राइट टू एक्सरसाइज बट नॉट ऑब्लिगेशन। राइट टू एक्सरसाइज बट नॉट ऑब्लिगेशन, ठीक होगी बात। फिर उसके बाद ये होता है कि वो उसी तरह जो सेल और सेल फ्यूचर और बाय फ्यूचर का काम होता था, बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें होता है कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन, बस नाम ये इस्तेमाल करते होते हैं, बात वही होती है। कॉल ऑप्शन का मतलब क्या होता है, कॉल किसी को बुलाना, लेना, खरीदना, राइट टू बाय, राइट टू बाय। और पुट ऑप्शन क्या होता है, पुट का मतलब होता है रख देना, दे देना, सेल कर देना, राइट टू सेल। कॉल ऑप्शन राइट टू बाय, पुट ऑप्शन राइट टू सेल, ओके होगी बात। फिर उसके बाद जब भी हम वही बात के जब भी आपको पता है कि जब हम किसी चीज को खरीदने की बात करते हैं तो हम कहते हैं वो लॉन्ग पोजीशन होती है, और जब किसी की बेचने की बात करते हैं हम उसको कहते हैं शॉर्ट पोजीशन, ठीक है। तो दो तरह से होता है कि एक ऑप्शन होल्डर होता है जो एग्रीमेंट करता है, ऑप्शन होल्डर, ठीक है। इसका मतलब है अगर ये इसके कॉल ऑप्शन करेगा मतलब राइट टू बाय, तो राइट टू बाय को हम कह सकते हैं लॉन्ग पोजीशन, टेकिंग अ लॉन्ग पोजीशन। और जो दूसरा दूसरी पार्टी होगी फिर उसको हम कहते हैं ऑप्शन सेलर होगा, वो अपोजिट होगा इसका, उसको हम ऑप्शन राइटर भी कहते हैं, ऑप्शन राइटर टेकिंग अ शॉर्ट पोजीशन, ठीक होगी बात। ये तो बस टर्म्स हैं, अगर आपको समझ लग जाती है या पता चल जाता है तो ठीक है, और अगर नहीं समझ लगती या नहीं पता चला तो कोई इसकी बात नहीं होती, कोई मसला नहीं होता, ठीक है। बाकी ये होता है कि जब आपने ऑप्शन एक्सरसाइज करनी हो ना, वो एक टर्म बोली जाती है इन द मनी, व्हेन ऑप्शन विल बी एक्सरसाइज, ऑप्शन विल बी एक्सरसाइज, उस टर्म को बोला जाता है इन द मनी। और दूसरी ऑप्शन होती है व्हेन ऑप्शन विल नॉट बी एक्सरसाइज, व्हेन ऑप्शन विल नॉट बी एक्सरसाइज, इसको क्या बोला जाएगा, आउट ऑफ द मनी। आपको पता है एक सवाल आया था एफआईआर 1 के अंदर, आउट ऑफ द मनी IS-33 का, FR1 के अंदर, IS-33 के अंदर भी आपको पता है कि जब वो ऑप्शन होती है शेयर खरीदने की पोटेंशियल शेयर होल्डर के अंदर, जब डाइल्यूटेड ईपीएस फाइंड करते हैं, तो उसमें उसने एक अपने ना सजेस्टेड आंसर के अंदर आउट ऑफ द मनी टर्म्स इस्तेमाल की। उसका मतलब यह है कि जब आपने ऑप्शन एक्सरसाइज ना करनी हो ना, तो उसको टर्म बोला जाता है आउट ऑफ द मनी। और जब आपने एक्सरसाइज से क्या मुराद है, जब आपको फायदा नजर आ रहा होगा तो ऑप्शन एक्सरसाइज कर लोगे, और जब आपको फायदा नजर नहीं आ गया तो ऑब्वियसली आप ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करोगे। इसका मतलब वही होता है कि मार्केट वैल्यू पर ही डिपेंड करता है कि अगर आपने उसकी ऑप्शन खरीदनी है या नहीं खरीदनी, क्लियर होगी बात। और एक होता है फिर ऑप्शन प्रीमियम, जो वो एक तरह की टोकन मनी होती है एग्रीमेंट में एंटर होने के लिए, जो हमने देनी ही देनी होती है। हो सकता है कभी उसका इंटरेस्ट आ जाए, जब भी इंटरेस्ट रेट गिवन होगा ना, तो हम ये समझेंगे कि जो हम प्रीमियम का पैसा दे रहे हैं वो भी उधार पे लेकर दे रहे हैं, हमारे पास अपना कुछ नहीं है, हम उधार पे लेकर फिर वो दे रहे हैं, ठीक होगी बात। और इसमें दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है कि वो भी हमने कॉन्ट्रैक्ट साइज को देखकर कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन करनी है, किसको देखकर, कॉन्ट्रैक्ट साइज को देखकर, वो लिख लें फिर मैं वो
आपको इसकी वो स्टेप भी लिखवा दूंगा। तो बाकी वही जो कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन है वो भी आप लिख लें, बल्कि नंबर ऑफ स्टेप भी लिख लें आप। नंबर वन वो ही सर, ये लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन क्या है सर? लॉन्ग पोजीशन का मतलब है जब आपने राइट टू बाय करना हो ना, राइट टू बाय तो हम कहते हैं टेकिंग अ लॉन्ग पोजीशन, ये टर्म बोली जाती है। और अगर आपने अपना वो कॉन्ट्रैक्ट सेल करना है, फ्यूचर का हो, फॉरवर्ड का हो या ऑप्शन का हो, हम इसको कहते हैं टेकिंग अ शॉर्ट पोजीशन, ये टर्म है बस। चले जी, हम बिस्मिल्लाह कहते हैं, फिर इसकी वो स्टेप लिखते हैं। जी, पहले अमाउंट टू बी हैज्ड, कि जो जो अमाउंट आपने हैज करनी है वो लिखनी है, अमाउंट टू बी हैज्ड नंबर वन पे। नंबर टू पे आपने लिखना है कि कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन, यानी ये ओपन पोजीशन है आपकी, कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन। मतलब अगर आपने बाय करना है ना तो कॉल ऑप्शन, और अगर आपने सेल करना है तो पुट ऑप्शन। और ये क्या होगा, बेस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट साइज करेंसी, जिसमें आपका कॉन्ट्रैक्ट साइज गिवन होगा उसी में ही आपने देखना है कि वो बेच रहे हो या सेल खरीद रहे हो, बेस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट साइज करेंसी। उसके बाद सेटलमेंट डेट देखी जाएगी, बिल्कुल वैसा ही जैसे फ्यूचर में देखी जाती है। और इसमें वो एक मेजर, तो हमारे पास एक रेट होता है, उसको हमने लेना होता है, एक्सचेंज रेट। तीसरे नंबर पर हमने प्रीमियम को भी आप देख लिया करो कि कितना प्रीमियम हमें बनता है, अमाउंट ऑफ प्रीमियम को फाइंड कर लिया करो, क्योंकि प्रीमियम तो हमने देना ही देना है। फिर उसके बाद ऑप्शन एक्सरसाइज आर नॉट, डिसाइड करना होता है ऑप्शन एक्सरसाइज आर नॉट। जब आपको ये पता चल जाए कि आपने ऑप्शन एक्सरसाइज करनी है या ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करनी, तो फिर आप कर देते क्लोज, क्लोज ऑप्शन। क्लोज ऑप्शन के बाद फिर हमें गेन या लाई जो लॉस वो जो भी आएगा, फिर आगे फर्दर वही सारे स्टेप होते हैं, एक्सपेक्टेड पेमेंट्स या एक्सपेक्टेड रिसीट, एक्सपेक्टेड पेमेंट्स या एक्सपेक्टेड रिसीट्स। क्लियर होगी बात? तो बिल्कुल वैसे ही सवाल है, बस इसमें अब आप हम देख लेते हैं, एक सवाल देखते हैं। सपोज दैट हम लिखते हैं कि इंपोर्ट करनी है हमने या एक्सपोर्ट कर लेनी है, पेपर ज्यादा ना एक्सपोर्ट का आता होता है, एक्सपोर्ट करनी है आपने 5,000 यूरो की, एक्सपोर्ट करनी है 5,000 यूरो की आफ्टर 3 मंथ, 3 महीने बाद। ठीक होगी बात? करंट स्पॉट रेट, करंट स्पॉट रेट है आपके पास, सपोज दैट 250 रुपीज पर यूरो, और स्ट्राइक रेट है, स्ट्राइक रेट मतलब जिसके ऊपर आपने एग्रीमेंट करना है। स्ट्राइक रेट का मतलब क्या है, जिसके ऊपर आपने एग्रीमेंट करना है। सपोज द स्ट्राइक रेट है 260, तो ज्यादा हो जाएगा, 254 का रुपीज पर यूरो। ठीक होगी बात? अब जो है ना, आफ्टर 3 मंथ करंट स्पॉट रेट है
258 rupees per euro, and जो शेयर ऑप्शन है, शेयर सॉरी ऑप्शन प्रीमियम, वो डिपेंड करता है, हमेशा याद रखें कि आपको किसी भी फॉर्मेट में दिया जा सकता है, किसी भी फॉर्मेट में वो दिया जा सकता है। तो हम अज्यूम कर लेते हैं वो नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट के ऊपर भी दे सकता है, तो फिर हमें नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट से मल्टीप्लाई या डिवाइड करना पड़ेगा, वो हमें पर डॉलर या पर रुपीज भी दे सकता है, ठीक है ना, पर डॉलर या पर रुपीज भी दे सकता है, ये डिपेंड करता है, वो टोटल प्रीमियम भी दे सकता है। तो डिपेंड करता है कि सवाल के अंदर उसने प्रीमियम किस फॉर्मेट में दिया है, ठीक है। तो वो हम अज्यूम कर लेते हैं कि रुपीज 1000 पर कॉन्ट्रैक्ट, ये डिपेंड करेगा पेपर में कि वो पर कॉन्ट्रैक्ट भी दे सकता है, पर डॉलर भी, पर यूरो भी दे सकता है, और रुपीस के हिसाब से भी दे सकता है। चलिए जी, ये सवाल करते हैं और कॉन्ट्रैक्ट साइज भी लिख लें। कॉन्ट्रैक्ट साइज है हमारा मेरे भाई 1000 ओक्यो की बात। चलें जनाब, ये सवाल नोट फरमाएं, अब हम इसको करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला स्टेप, अमाउंट कितनी हेज करनी है, अमाउंट कितनी हेज करनी है, सबसे पहला स्टेप, स्टेप नंबर वन, 5000 यूरो टू बी हेज्ड। ओके, स्टेप नंबर टू, कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन, देखिएगा आपने एक्सपोर्ट करने हैं, मतलब कि ये सेल और कॉन्ट्रैक्ट साइज में भी यूरो है और यूरो हमने सेल करने हैं, तो कॉल ऑप्शन होगी या पुट ऑप्शन होगी, सेल करने हैं, पुट ऑप्शन, यूरो पुट ऑप्शन, या आप सिंपल लिख दे ओपन पोजीशन हमारी क्या होगी, पुट ऑप्शन। स्टेप नंबर थ्री, रेट कौन सा लेंगे, रेट गिवन ही एक ही है, जो स्ट्राइक रेट गिवन है वही हम ले लेते हैं, और स्ट्राइक रेट भी वही ले लेते हैं इमीडिएट आफ्टर वाला। तो स्ट्राइक रेट है हमारा 254 रुपीज पर यूरो। स्टेप नंबर फोर, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी इसमें फाइंड किए जाते हैं, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 5000 डिवाइडेड बाय 1000, क्या इसको चेंज करेंगे या नहीं, जल्दी से बताएं, 5000 को कन्वर्ट करेंगे या एज इट इज 5000 लिखेंगे, एज इट इज, एज इट इज, वजह क्योंकि ये भी यूरो है, ये भी यूरो है, तो हमारे नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आ गया 5। कि आप लोग पहले क्लोज ऑप्शन करो, वहां से पता चलेगा कि आपने एक्सरसाइज करना है या नहीं, क्लोज ऑप्शन, स्टेप नंबर 5, क्लोज पोजीशन। ओपन पोजीशन है हमारी पुट ऑप्शन, ओपन पोजीशन है हमारी पुट ऑप्शन, अगर ओपन पोजीशन हमारी पुट ऑप्शन है तो फिर मेरे भाई जो आपकी क्लोज पोजीशन होगी वो हमेशा हमेशा कौन सी होगी, कॉल ऑप्शन, क्या होगी, कॉल ऑप्शन, क्या होगी, कॉल ऑप्शन जी। पुट ऑप्शन में क्या है, पुट ऑप्शन में कितना है, पुट ऑप्शन का रेट, स्ट्राइक प्राइस को कहते हैं पुट ऑप्शन, 254
मतलब कि इसमें हमने सेल करना है। हाँ जी, कॉल ऑप्शन क्या होती है हमारी, उस दिन का स्ट्राइक रेट, उस दिन का स्ट्राइक रेट सॉरी करंट स्पॉट रेट 258, 258 इसमें हम बाय करेंगे। तो सिर्फ यहां से मुझे आप बता दें कि आपने एक्सरसाइज ऑप्शन करनी है या नहीं, ऑप्शन एक्सरसाइज करोगे या नहीं, नो मतलब आप नहीं करेंगे, क्योंकि 258 का बाय करके 254 में कभी भी सेल नहीं करोगे। 258 का बेच के और खरीद के कभी भी आप 254 का, तो हम लिखेंगे यहां पर विदड्रॉ द ऑप्शन। ये नहीं कि सवाल हल करना छोड़ देंगे, ऑप्शन विल नॉट बी एक्सरसाइज्ड, ऑप्शन विल नॉट बी एक्सरसाइज्ड। ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करनी, ऑप्शन एक्सरसाइज तो फिर हमारी एक्सपेक्टेड रिसीट्स क्या होंगी, एक्सपेक्टेड रिसीट्स हमने जो 5,000 हमें यूरो आने हैं हम बाहर मार्केट में सेल करेंगे, बाहर मार्केट में सेल कर देंगे। हमने ऑप्शन एक्सरसाइज की ही नहीं, हम बाहर मार्केट में सेल करेंगे। अगर ऑप्शन एक्सरसाइज कर लेते तो स्ट्राइक प्राइस लेते, ऑप्शन एक्सरसाइज ना करो तो उस दिन का स्पॉट रेट लेते हैं। हाँ जी मैं बताओ जरा, मल्टीप्लाई करके मुझे एक 5,000 मल्टीप्लाई बाय 258 कितना आ जाएगा, 5,000 मल्टीप्लाई बाय 258 12,90,000। 1,290,000। ये रिसीट्स हैं, रिसीट्स में हमेशा पेमेंट्स माइनस होंगी, लेस ऑप्शन प्रीमियम। ऑप्शन प्रीमियम आपको 1,000 पर कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, डन। एक्सपेक्टेड रिसीट्स तो 12,90,000 में से 5,000 माइनस का दें तो 12,85,000 आपके पास आंसर आ जाए। और अगर यहां पर भी आपसे इफेक्टिव रेट पूछा जाए, इफेक्टिव रेट अगर आपसे पूछा जाए तो 12,85,000 डिवाइडेड बाय 5,000, इसको डिवाइड करने का तरीका आपका करेंसी पे डिपेंड करता है, जिस फॉर्मेट में आपकी करेंसी गिवन है। रुपीज पर यूरो है ना, तो रुपीज ऊपर रख दे, यूरो नीचे रख दे, तो इफेक्टिव रेट आपका 257। जो जो 1 रुपया कम हुआ है ना, ये ऑप्शन एग्रीमेंट की वजह से हुआ है, ये जो 1 रुपया कम हुआ है ना, ये ऑप्शन एग्रीमेंट की वजह से कम हुआ है। ओके होगी बात, एक दफे सवाल को देखें फिर मैं एक सवाल लिखवाता हूं वो आप करें। जी इसका सोल्यूशन आप देख लें, ये सवाल भी सारा है और सोल्यूशन भी। जी क्वेश्चन लिखाऊं फिर, चलिए क्वेश्चन एक दफा इसको अपने सॉल्यूशन की हेल्प से भी आप ले सकते हो सवाल। हाँ जी मैं आपको एक सवाल लिखवाता हूँ फिर उसको हल भी करेंगे। आपने इंपोर्ट करनी है, पहले एक्सपोर्ट था ना, आपने इंपोर्ट करनी है, इंपोर्ट कर लो आप, ऐसा करो कि 1 लाख डॉलर की करनी कब है, जून में कर लो, ठीक है। आज जनवरी है, आपने जून में करनी है। आज करंट स्पॉट रेट है, आज का रेट करंट स्पॉट रेट जनाब 300 रुपए पर डॉलर। स्ट्राइक प्राइस है, स्ट्राइक रेट 308 रुपीज
पर डॉलर, इस पे एग्रीमेंट हो रहा है। कहते हैं जनाब अगर आप जून में लेने आओगे ना तो 308 का हम आपको बेच देंगे, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट साइज है हमारा। कॉन्ट्रैक्ट साइज 100,000 डॉलर। वैसे रुपीज करोगे तो और ज्यादा अच्छा सवाल बन जाएगा, वो फिर हमें रुपीज का वो कॉन्ट्रैक्ट साइज बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, पहले एक बेसिक सवाल कर लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट साइज है हमारा 100,000 डॉलर। जून के अंदर स्पॉट रेट है 310 रुपीज पर डॉलर, ठीक है, और स्ट्राइक प्राइस है, ऑप्शन प्रीमियम है 2 रुपीज पर डॉलर, ठीक है। एक्सपेक्टेड पेमेंट्स बतानी है आपने और इफेक्टिव रेट, एक्सपेक्टेड पेमेंट्स और इफेक्टिव रेट, ठीक है। ट्राई करो, नहीं होगा तो फिर मिलके करेंगे, ट्राई करो इसको जल्दी से। सर कॉन्ट्रैक्ट साइज आपने 1 लाख लिखवाया है। हाँ जी, 1 लाख, सॉरी ये आप ना 10,000 कर दो, वरना तो एक ही कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, इसको ना 10,000 कर दो।
अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, हो क्या हाल है सर, कैसे हैं? खैरियत से हैं गया सर? सुन? अल्लाह का शुक्र है, सवाल हो गया। बस सर, तकरीबन सवाल नज़दीक ही है सर। क्लास कितने बजे ऑफ होनी है? मुझे इसके बाद क्लास आप हो जानी है 3 सवा 3 बजे तक। सही हो गया सर। ठीक है सर, थोड़ा जल्दी कर दें आज ना। ठीक है जल्दी कर देते हैं। जी, बड़ी मेहरबानी तो सर। सर वो पास पेपर करवाने थे, आपने वो नहीं करवाने आज? आप खुद भी कुछ कर लें। नहीं, पास पेपर तो करवाने हैं, लाजमी करवाने हैं, वो कल कर लेंगे, क्योंकि ना मेरी FR1 की क्लास आज ना 3 बजे है, क्योंकि आज उनका वो मॉक था, तो इस वजह से क्लास ना टाइम चेंज किया, तो सर ये ना रिकॉर्डिंग तो सेंड कल कर फिर दीजिएगा, आज। स्टार्ट मैंने मिस किया है तो वो काइंडली भेज दीजिएगा रिकॉर्डिंग। ठीक है चलिए जी, सवाल लोगों का हल हो गया, फिर इसको हल कर लेते हैं। आओ जरा सवाल हल कर लें जी। सवाल में सबसे पहले जो स्टेप था वो तो है कि आपने $1,00,000 को हेज करना था, टू बी हेज, ठीक है। और दूसरे नंबर पर आपने कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन है, आपने इंपोर्ट किया है। इंपोर्ट का मतलब है डॉलर आपने परचेज करने हैं, बाय करने हैं, और कॉन्ट्रैक्ट साइज भी आपका डॉलर में है, तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कॉल ऑप्शन। ओपन पोजीशन क्या है आपकी, कॉल ऑप्शन, चाहे तो आप लिख लिया कि नहीं, ओपन पोजीशन कॉल ऑप्शन। तीसरे नंबर पर हमने स्ट्राइक प्राइस अपनी लेनी होती है, 308 रुपीज पर डॉलर, और लेनी कौन सी है, इमीडिएट आफ्टर द एग्जीक्यूशन डेट। ये वही इस पे कॉन्सेप्ट है जो फ्यूचर में कॉन्सेप्ट है, ठीक है। नंबर फोर में नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी देख लेते हैं, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इसे वैसे जरूरत नहीं है, 100,000 डिवाइडेड बाय 10,000, तो 10 कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। उसके बाद आपने ये डिसाइड करना है कि आपने ऑप्शन एक्सरसाइज करनी है या नहीं करनी। उसके लिए आपके पास ओपन पोजीशन है, ओपन पोजीशन है कॉल, कॉल ऑप्शन, कॉल का मतलब है खरीदना। ओपन पोजीशन किस पे है, 308, और क्लोज पोजीशन पुट ऑप्शन। पुट ऑप्शन में हमारा जनाब एक्सरसाइज प्राइस है वो, यानी 310। हाँ जी, कॉल ऑप्शन मतलब खरीदना, पुट ऑप्शन मतलब बेचना। 308 पे खरीद के 310 में बेच रहे हो, ऑप्शन एक्सरसाइज करोगे या नहीं, ऑप्शन विल बी एक्सरसाइज, ऑप्शन विल बी एक्सरसाइज, मतलब आपने स्ट्राइक प्राइस पे पेमेंट कर दो, आपने एक्स जो स्ट्राइक प्राइस है उसी के ऊपर कर दो, और प्रीमियम तो हमें देना ही देना है 2 रुपीज पर डॉलर के हिसाब से, तो जितने डॉलर्स का हमारा होगा उतने डॉलर्स का प्रीमियम हमने देना ही देना है। लो मेरे भाई, एक्सपेक्टेड पे आ जाओ, एक्सपेक्टेड पेमेंट्स की वर्किंग पे आ जाओ, एक्सपेक्टेड पेमेंट्स। सबसे पहले हमने करना है कि आपने $1,00,000 की पेमेंट करनी है मल्टीप्लाइड बाय 308, क्योंकि आपने ऑप्शन एक्सरसाइज कर ली है, तो जब ऑप्शन एक्सरसाइज कर लेना तो हमारी पेमेंट स्ट्राइक प्राइस पे होती है, या टोटल से मल्टीप्लाई करके उसका डिफरेंस एडजस्ट करते हैं, तो ये हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा जनाब, 308 000 000, फिर ऑप्शन प्रीमियम $1,00,000 है मल्टीप्लाइड बाय 2 रुपीज पर डॉलर,
टोटल कितना आ जाएगा? 2 लाख। ये इन दोनों को प्लस करेंगे क्योंकि ये हमारी पेमेंट है और ये भी हमारी पेमेंट है, दोनों को पे करना है हमने। तो 308 और उसमें 2 लाख ऐड कर दो तो ये क्या बन जाएगा? 310। ये हमारी एक्सपेक्टेड पेमेंट है और अगर इफेक्टिव रेट बताना है तो 310000 डिवाइडेड बाय 1 लाख, तो कितना आ जाएगा? 310 रुपीज पर डॉलर हमें पड़ेगा। ठीक है जनाब। लो जी जनाब, हमारे ऑप्शन कंप्लीट होगी। ऑप्शन से रिलेटेड कोई सवाल पूछना है तो पूछें। ऑप्शन से रिलेटेड कोई सवाल है? डन। हमारा ऑलमोस्ट ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। कल मैं इसके पास पेपर करवाऊंगा क्योंकि आज एफ वन की क्लास थोड़ी अर्ली है, तो कल पास पेपर और कमोडिटी का कल कर लेंगे इंशाल्लाह। अब आपने इसके सवाल करना शुरू करो प्रैक्टिस क्वेश्चन के, और बाकी मैं कल प्रैक्टिस क्वेश्चन के भी आपको निशान लगवा दूंगा कि जो आपने लाजमी करने हैं और जिस बाकी छोड़ देने हैं वो कोई मसला नहीं है। 20 20 सवाल तो लाजमी करेंगे पहले, ठीक है? 20 20 सवाल आपने लाजमी करने हैं। ठीक है जी, ओके जी, अल्लाह।